پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا ترجمان شوکت یوسفزی ویلی دی چې سو کم پارٹی بریدی نو ته په مخخه هیڅ فرق نه پروزی. په کال 2013 کې عمران خان په خپل 13 ایم پی ایز وستیو دا غی نه پس پارٹی په دو تیهای اکثریت سره په حکومت کې راغله. یو ځل بیا پی ټی آی په دو تیهای اکثریت سره په حکومت کې راغلی ده. د زیاته کړې ده چې پی ډی ایم پی ټی آی او فورس جنگول غواړي. نن هم مې پیښو د تحریک انصاف سره هیڅ تعلق نشته. عمران خان د دغو پیښو غندنه کړې ده. پی ډی ایم د پی ټی آی او فورس د جنگولو سازش تیار کړی دی او دواړه جنگول غواړي. लोगों का पार्टी छोड़ने का ताल्लुक है, जिसने जाना ही जाए, मैं उनको गुड बाई कहूँगा, इसलिए कि एक जमहूरी पार्टी है, वोट इमरान खान का है और जो जा रहे हैं जो जिनके चेहरे मैं देख चुका हूँ हमारे कुलीग हैं, लेकिन उनको पार्टी टिकट नहीं दे रही थी. अब वो बयानियाँ बनाकर अगर किसी दूसरी पार्टी में अपनी जगह बनाना चाहते हैं तो उनकी मर्जी, लेकिन पार्टी उनको टिकट नहीं दे रही थी, इसलिए इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा. तहरीक इंसाफ ने, आपको याद होगा 2018 में इमरान खान ने 20 MPS निकाले थे, नतीजा क्या निकला, दो तिहाई अक्सरियत से हम वापस आए. तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई आए कोई जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तहरीक इंसाफ के ऊपर. अवामी पार्टी है, अवामी ताकत रखती है. तहरीक इंसाफ एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी पार्टी है, जिसने हमेशा पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ और पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती की बात की है. जहाँ तक 9 मई का वाक़ है, तहरीक इंसाफ की पूरी लीडरशिप ने इमरान खान समेत उसकी मजम्मत की है और हम डिमांड करते हैं कि कोर कमांडर हाउस लाहौर पे जो हमला हुआ है, उसमें जो जलाव घिरा हुआ है, उस समय जितने वाक़ात हुए हैं, एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए और उसकी तहकीकात होनी चाहिए. इसलिए कि फ़ौज हमारी फ़ौज है, फ़ौज को कमज़ोर करने का सोचेंगे तो पाकिस्तान कमज़ोर होगा. किसी सूरत अपनी फ़ौज को कमज़ोर नहीं होने देंगे. हमेशा अदलिया और फ़ौज का एहतराम किया है और फ़ौज ने कुर्बानियाँ दी हैं. दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग पाकिस्तान आर्मी ने लड़ी है, दुनिया की किसी फ़ौज के पास इस तरह की मिसाल नहीं है. तो ये कैसे हो सकता है कि जिन इदारों का हम एहतराम करते हैं उनके ख़िलाफ़ जंग हो, सवाल ही नहीं पैदा होता. जहाँ तक पीडीएम का ताल्लुक है, इलेक्शन से भाग रही है आवाम, इस वक्त महंगाई है, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा और खुराक की अशिया महंगी, अब अद्वियात भी महंगी कर दी. कोई इनके पास मुल्क चलाने के लिए एजेंडा नहीं है, इसलिए ये साजिश हो रही है कि फ़ौज और तहरीक इंसाफ को लड़ाया जाए. मैं अपील करता हूँ कि इस साजिश को नाकाम बनाना चाहिए. मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि फ़ौज के साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं है. फ़ौज हमारी फ़ौज है, हम उनका एहतराम करते हैं, उनकी कुर्बानियाँ हैं. दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ आज भी वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं. तो जो मुनज़्ज़म साजिश की जा रही है वो पीडीएम की तरफ से इंतशार की सियासत की जा रही है, ताकि मुल्क में इंतखाबात ना हो. तो ये एक मंसूबा है और इस साजिश को समझना चाहिए. फ़ौज का हमेशा से एहतराम किया है और हमारी फ़ौज काबिल फ़ख्र फ़ौज है और इंशाअल्लाह ताला एक दिन आएगा कि सबको पता चलेगा कि पीडीएम ने यह साजिश किस लिए की थी.